हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं अभी दीघा में हूँ और पाटलिपुत्र जंक्शन के जो पीछे में रास्ता बन रहा है, जो रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज है, जो कि पब्लिक को आने जाने के लिए जो आसानी होगा, आप देख सकते हो जो इस तरह के नाला है और नाला के ऊपर बनाया जा रहा है इस ब्रिज के नीचे। तो मैं वहाँ पर अपडेट देता हूँ कि वहाँ कुछ क्या कुछ अपडेट हुआ है, कितना काम बढ़ा है। दोस्तों, मैं फाइनली उस जगह पे आ गया हूँ जिस जगह पर ये रेलवे फुट ओवर ब्रिज बन रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे फुट ओवर ब्रिज के लिए, जो आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर, कि फुट ओवर ब्रिज के लिए यहाँ पे पाइलिंग वगैरह जो है कि की जा चुकी है। और पाइलिंग करने के बाद जो इसका बेस है वो पूरी तरह से बना लिया गया है, लेकिन इसका काम भी रुक गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर। और उधर आप देख सकते हैं एक पैसेंजर गाड़ी है जो कि हाजीपुर से की तरफ से आ रही है। अब यहाँ ये है कि यहाँ से दीघा बहुत नज़दीक है, अगर ये फुट ओवर ब्रिज बन जाता है तो पब्लिक को परेशानी नहीं होगी दोस्तों। इसका बेस और पिलर बना करके कंप्लीट कर लिया गया है, नीचे का जो पिलर वगैरह। अब इसके ऊपर अब देखना ये है कि कब तक काम लगता है। और करीबन एक महीना पहले मैंने जब अपडेट दिया था तो इसका जो पिलर का जो है वो काम इसका लगा हुआ था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये टेम्प्रोरी एक रास्ता है जाने के लिए, लेकिन उधर रेलवे स्टेशन पे जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, इसी के लिए ये बनाया जा रहा है। अगर ये रास्ता बन जाता है तो फिर पैसेंजर को दीघा आने में कोई तरह का दिक्कत नहीं होता। बहुत सा एक्सप्रेस गाड़ी है कि जो कि यहाँ पे रुकते हैं, दीघा हॉल्ट पे नहीं रुकते हैं। तो बन जाएगा तो खैर बहरहाल बहुत आसान हो जाएगी और बहुत सारी परेशानियों से छुटकारा मिलेगी दोस्तों, लेकिन इसका काम जो है कि थोड़ा रुक रुक के चल रहा है। जैसे इसका काम अपडेट बढ़ेगा, अपडेट होगा, आगे बढ़ेगा, तो मैं आपको अपडेट दूंगा। तो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन ऑन कर दे, ताकि इस तरह की जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है उसकी वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।